सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को, और मीडिया का आभारी कहूँगी मैं कि आप ही लोग हो जो मेरी बात को जनता तक पहुँचाओगे। सबसे पहले तो मेरे साथ हमारे मेरे परिवार के साथ गुटबाजी हुई है, और उसका जो परिणाम हुआ मैं समझती हूँ आप लोग मीडिया भाइयों और जनता भली भांति जानती है। और मैं जो अभी मैंने जो फॉर्म भरा है वो मैंने जनता की मांग पे भरा है, और ये मांग ये है कि जो जीत होगी वो प्रचंड रूप से प्रचंड मतों से सामने आके जनता को दिखाएगी। क्या इसमें क्या वादे हैं लेके आप पहुँचे? जी, जनता के लिए मेरे पास बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे विजन हैं। सबसे मुख्य जो मेरा वादा रहेगा वो नेजुल और पेकी प्लाट के लिए रहेगा, जिससे कि देवास की जनता त्रस्त है। दूसरा मेरा रहेगा कि जो इंदौर में मेट्रो लाइन डल रही है उसे मैं देवास तक लाने का हर संभव प्रयास करूंगी, जिससे कि जो देवास के यातायाती है, जो अप डाउनर है, वो उनकी जो यात्रा है वो सरल हो सके। तीसरा मेरा रहेगा, महिला हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात करूँगी, जो घरेलू स्वरोजगार है उनसे महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करूँगी। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो जो शासकीय विद्यालय हैं उनका विकास मैं प्राइवेट विद्यालयों के तर्ज पे करूँगी, जिससे कि जो माध्यमिक परिवार के गरीब बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा का लाभ मिल सके। और आगे मेरा रहेगा जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को देवास नगर निगम के लिए पेयजल स्थायी रूप से अनुबंधन करवाना, और गैल गैस की जो लाइन है वो देवास के घर घर तक पहुँचाना, ये मेरे मुख्य उद्देश्य रहेंगे। इसके साथ ही जो अवैध शुल्क लिए जा रहे हैं, जैसे कचरा शुल्क है, सीवरेज है, इन सब शुल्क को हटाने का प्रयास करूंगी। और आपके जो ससुर हैं वो कांग्रेस में हैं ना, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या वो पद छोड़ेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे ससुर के साथ गुटबाजी हुई है, क्योंकि वो विगत कई वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे पद भी हासिल किए हैं, पर जब भरोसा टूट जाता है तो इंसान निर्दलीय उतरता है जनता की मांग पे, और जो जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करेंगे।